Assalamu alaikum. This is our 23rd lecture of science for class 7th cadet, week number 5. और आज हम पढ़ेंगे how sodium chloride NaCl is formed. Sodium chloride को table salt या खाने का नमक भी कहा जाता है. डायग्राम के अंदर भी हम देख सकते हैं वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सोडियम एटम टू द क्लोरीन एटम. सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. तो ये अपने वैलेंस शेल का ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे देता है. सोडियम एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. क्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं. तो क्लोरीन एटम स्टेबल होना चाहता है और इसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना मकसूद है. तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन में ट्रांसफर हो जाता है और क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा या नॉन रिएक्टिव बन जाएगा. आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम बिकम सोडियम आयन एंड क्लोरीन एटम बिकम्स गेन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ क्लोराइड आयन. सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर नेगेटिव आ जाता है. पॉइंट नंबर 3, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट. तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन जाता है. अब देखते हैं आइसोटोप्स. आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस. द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स. हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स. एन एटम ऑफ हाइड्रोजन मे हैव 0, 1 or 2 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम आर द 3 आइसोटोप्स. आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि प्रोटियम के पास सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है. ड्यूट्रियम के पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मौजूद है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, जबकि प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है. सॉरी, प्रोटियम का एटॉमिक नंबर भी 1 है, ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर भी 1 है, लेकिन ड्यूट्रियम का मास नंबर 2 होता है क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन एडेड है. तीसरे नंबर पर देखते हैं ट्रिटियम. ट्रिटियम के पास एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद हैं, इसलिए इसका एटॉमिक मास 3 होगा. आगे चलते हैं यूजेस की जानिब. नंबर 1, कार्बन 14 इज यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ प्लांट्स. पौधों की उम्र मालूम करने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है. इस प्रोसेस को कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है. नंबर 2, नाइट्रोजन 15 इज यूज टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इन प्लांट्स. इसका नाइट्रोजन 15 का इस्तेमाल यह है कि पौधों के अंदर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर के असरात को स्टडी किया जा सके. सोडियम 24 इज यूज टू स्टडी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड की सर्कुलेशन को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है. फॉस्फोरस 32 इज यूज टू ट्रीट इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर एंड बोन डिजीज. हड्डियों के अमराज और ब्लड कैंसर के अंदर बहुत मुफीद है इसका इस्तेमाल. क्रोमियम 51 इज यूज टू स्टडी रेड ब्लड सेल्स इन पेशेंट्स विद ब्लड डेफिशिएंसी. ऐसे पेशेंट जिनमें खून की कमी हो, तो रेड ब्लड सेल को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्रोमियम 51. आयरन 59 इज यूज टू स्टडी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी. कोबाल्ट 60 इज यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट. आयोडीन 131 इज यूज टू ट्रीट अ डिजीज कॉल्ड गोइटर. ये एक इम्पॉर्टेंट है. आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है गोइटर की ट्रीटमेंट में. तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.